All right, guys, very good morning to all, and welcome to this third session of this series on GATE. So let's quickly revise what we have seen so far, after which we can just go ahead with a new topic. So in last lecture, what we have seen was properties of different systems. Okay, so systems, we said that systems is a kind of mapping between signals to signals. And a system may have various properties. So we have seen various properties: additive, homogeneity, additivity, causality, stability, time invariance, and memory. So these all properties we have seen. We have seen how to determine whether a system, have these properties or not. So we have seen a lot of examples, including the GATE examples also. Today, what we are going to look at is a new topic, and it's one of my favorite topics because this is like a core to signals and systems or signal processing. Once you ये अगर आपको टॉपिक आ गया, okay, once you know this topic, because those who are being missing these lectures, and they will be missing a lot because this lecture is going to be a very important lecture because we are going to cover the most important topic in signals and systems today. So before introducing that topic, let me just show you and let's start from the point where we have left with. So we have left with the point, the properties of systems. हमने सिस्टम की प्रॉपर्टीज हमने देखी. अभी हम दो प्रॉपर्टीज हमारी ऐसी है जो हमें हमें बहुत ज्यादा जरूरी है. दो प्रॉपर्टीज, जैसे हमने 5 से 6 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने देखी, उनमें से दो ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बहुत ही एसेंशियल है इन टूडेज वर्ल्ड. सो दोज टू प्रॉपर्टीज आर लीनियरिटी एज वेल एज टाइम इन वेरियंस. सो लेट मी जस्ट पुट दैट ऑन द व्हाइट बोर्ड. सो Now let me show my screen to you. Yeah, hope my screen is visible. So this I was talking about the properties. Okay, the first property that we have seen was memory. Then we have seen the additivity. We have seen the homogeneity. We have seen causality. We have seen stability. We have seen time invariance. And of course, in a very short note, I have just talked about what is called as invertibility. Invertibility means if the system is able to get back the original signal from the output by some manipulation, then it is called as an invertible system. So what I said is let me make a few comments. जो सिस्टम एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों सेटिस्फाई करता है, उसको हम बोलेंगे लीनियर सिस्टम. ओके, इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर सिस्टम. लीनियर सिस्टम बोले तो वो सिस्टम जो दोनों सेटिस्फाई करता है, एडिटिविटी भी और होमोजेनिटी भी. दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसे हम नॉन लीनियर सिस्टम बोलेंगे. सो लीनियर सिस्टम इज वन विच सेटिस्फाइज बोथ द एडिटिविटी एज वेल एज होमोजेनिटी. सो दीज टू प्रॉपर्टीज आर देयर, एंड देयर इज वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज अ टाइम इनवेरियंस. सो दीज प्रॉपर्टीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये माइक्रोफोन की बात अगर करता हूँ, दिस माइक्रोफोन वी एक्सपेक्ट दैट टू बी अ काइंड ऑफ लीनियर एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. मतलब क्या, अगर मेरे साथ अगर कोई और भी बात कर रहा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ अगर आप खुद बात कर रहे हो, तो दोनों की आवाज आनी चाहिए. दैट मीन्स इट शुड सेटिस्फाई द एडिटिविटी प्रॉपर्टी. ओके, अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप बात कर रहे हो, दोनों का अगर एडिशन हो रहा है तो आउटपुट में भी दोनों का एडिशन आना चाहिए. सो दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट. सो वी एक्सपेक्ट अ सिस्टम टू बी एडिटिव इन नेचर. वी एक्सपेक्ट अ सिस्टम टू बी होमोजीनियस इन नेचर. होमोजीनियस मतलब अगर मैं ज्यादा आवाज में बात करूं तो आपको ज्यादा आवाज में आवाज आनी चाहिए. अगर कोई और अगर ज्यादा आवाज में बात करे तो आपको उसकी आवाज भी ज्यादा आवाज ज्यादा स्ट्रेंथ में आनी चाहिए. सो दिस कॉल्ड एज अ होमोजीनिटी प्रॉपर्टी. सो वी एक्सपेक्ट दैट अ सिस्टम शुड ऑल्सो सेटिस्फाई होमोजीनिटी प्रॉपर्टी. वी ऑल्सो एक्सपेक्ट अ सिस्टम शुड सेटिस्फाई टाइम इन वेरियंस. मैं चाहता हूं कि ये माइक्रोफोन अगर आज काम कर रहा है और अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो कल भी ये उसी उसी अच्छे तरीके से काम करना चाहिए.
दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज टाइम इनवेरियंस. अगर आज ये अच्छे से काम कर रहा है और कल जाके वो कुछ वियर्ड आवाज दे रहा है, तो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ अ यू नो टाइम इनवेरियंट सिस्टम, इट इज अ टाइम वेरिंग सिस्टम. सो मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स दैट वी डील इन प्रैक्टिस एंड ऑल्सो इन सिग्नल प्रोसेसिंग आर गोइंग टू बी व्हाट आर कॉल्ड एज LTI systems that are nothing but linear as well as time invariant system, and that's what we are going to look today. Okay, so we are gonna see what are called as time invariant systems. So let me introduce that word to you, which is called as LTI systems. So which are both linear as well as time invariant. So this is called as a linear as well as time invariant system or an LTI system. So what's so special about this system? So system, as I said, it satisfies these properties, so additivity, homogeneity, as well as time invariance. And let's look at some math of this linear as well as time invariance. So after that, we are going to deal with only the LTI systems. So iska thoda sa background dekh lete hain, iska matlab kya hai and all. Okay, so LTI systems are what we are going to look at. So the topic is LTI systems. Now, in order to introduce these systems, first let me introduce to some basic standard signals. Iske pehle hum aage jaye to states kuch standard signals ke bare mein hum janenge. Okay, there are some standard signals that we need to know. So what are those standard signals that we need to know? So the first signal that we need to know is about the simplest possible signal. Main yahan pe draw kar raha hu. Sabse simple signal kya ho sakta hai? Sabse simple jo sirf ek point pe defined ho wo sabse simple signal hai. To main yahan pe ek signal define kar raha hu. It's a sequence which is simply only one point there, and that point is defined at n equals to zero. So I've defined here what is called as a discrete time impulse signal. So what is this called? This is called as a discrete time impulse. So this is represented as del of n equals to one. Wo sirf, this is only present at n equals to zero. It is only one at n equals to zero, and it is zero otherwise. It is zero at n not equals to zero or otherwise. Okay, so this is what is called as a discrete time impulse. Okay, this is called as a discrete time impulse. So what is that? So let me tell you that these values are zero otherwise. Okay, for other values of n, they are all zero. So isi signal ko hum kahenge impulse signal. So at 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 and so on, for all the values from minus infinite to infinite of n, this is all zero except at n equals to zero. So this is called as a del of n. Isko hum impulse bhi bolenge, isko hum unit impulse bolenge, discrete kyunki yahan pe time jo hai ye discrete hai, hum continuous time nahi le rahe, hum kuch samples hi le rahe hain. Isko called as discrete time impulse. Sabse simple signal, sirf ek hi dandi hai yahan pe. Okay, तो ये मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इस सिग्नल का उपयोग जो है हमारा होने वाला है आगे के लेक्चर्स, आगे के यू नो सबसिक्वेंट टॉपिक के ऊपर. हमको ये जानना जरूरी है कि ये डेल ऑफ एन है क्या. दिस इज अ डिस्क्रीट टाइम इंपल्स सिग्नल विच इज वन ओनली एट एन इक्वल्स जीरो एंड जीरो अदरवाइज. इट्स अ मोस्ट सिंपलेस्ट सिग्नल. अब इसकी खास बात क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको. ये सिग्नल, इसकी खास बात यह है कि एनी सिग्नल, एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी जनरेटेड यूजिंग दिस discrete impulse signal. So that is the most important thing. Any discrete time signal, koi bhi discrete time signal le lo, usko hum sirf aur sirf impulse se generate kar sakte hain, impulse se represent kar sakte hain. Kaise? To dekho yahan pe, agar maan lo ki mere paas ek signal hai, discrete time signal chahiye na mujhe. To maan lo ki ek discrete time signal hai, to mere paas ek aisa signal hai jo discrete time hai, right? So let's say discrete time matlab सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट इंस्टेंस पे प्रेजेंट होगा. लेट से यहाँ पे वो वैल्यू लेट इट बी वन, लेट इट बी टू, लेट इट बी थ्री एंड सो ऑन. ओके, सो लेट से दिस वैल्यूज आर, लेट से और एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट इट बी यू नो वन अगेन. सो दीज वैल्यूज आर 0, 1, 2, 3 फॉर दीज वैल्यूज ऑफ एन. मान लो कि ये सिग्नल है. ओके, कोई भी सिग्नल ले लिया मैंने एक्स ऑफ एन, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है. हाँ है, क्यों? क्योंकि ये सिग्नल जो है ये डिस्क्रीट इंस्टेंस पे डिफाइंड है. सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस सिग्नल यूजिंग डेल ऑफ एन? ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज एनी सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड, एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डेल ऑफ एन. अब आप क्या बोलोगे कैसे, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ पहले 1, 2, 3 एंड ऑफकोर्स दिस इज 1. ओके,
So how can we define this signal using this impulse? So something like this, see you. So ये एक इंपल्स है, ओके okay? ये तो एक इंपल्स ही है, ये भी एक इंपल्स है, पर ये शिफ्टेड इंपल्स है. मतलब अगर मैं पहली इंपल्स लूँ, ये व्हाट इज दिस फर्स्ट पार्ट, लेट कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट पार्ट. ये पहला पार्ट कॉन्सेंट्रेट करता है, ये पहला पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज डेल ऑफ एन इटसेल्फ, राइट. दूसरे पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये दूसरे पार्ट को, ये जो सिग्नल है ये शिफ्टेड है, राइट. ये दिस इज शिफ्टेड एंड स्केल्ड वर्जन ऑफ द इंपल्स, राइट. ये जो है ये राइट में शिफ्ट हो रहा है और दो से स्केल हो रहा है. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ पे ये सिग्नल जो है ये डेल ऑफ एन ही है, बट ये राइट में शिफ्ट हो रहा है. तो जो भी राइट में शिफ्ट होगा, मैं थंब रूल बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये पहले तो शिफ्टिंग ऑपरेशन सिग्नल्स के ऊपर ऑपरेशन हमें कवर करना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट यू नो बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लेक्चर्स आई नीड टू स्किप दैट, एंड डोंट वरी बिकॉज दिस इज क्वाइट सिंपल. अगर राइट में शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे निगेटिव साइन डाल दो, बस निगेटिव वन. Okay, so that is del n minus 1. But not only it is a shifted version of del, it is also a scaled version of del. So, मतलब ये 2 del of n minus 1 हुआ, है ना? तो ये क्या हुआ? ये तीसरा सिग्नल क्या हुआ? ये तीसरे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ये तीसरा क्या हुआ? इसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ये इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 3 है ना? तो मतलब ये हुआ 3 del of n minus 2. और ये चौथा सिग्नल क्या हुआ? चौथा सिग्नल ऐसा हुआ ना, 4 नहीं है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड इज 1 इटसेल्फ, सो इट इज डेल ऑफ एन माइनस 3. अगर राइट में शिफ्ट हुआ तो एन माइनस समथिंग, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो एन प्लस समथिंग. ओके, सो क्योंकि ये डिलेड है ना, ये राइट में शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये डिले हो रहा है. डिले मतलब एन माइनस समथिंग एन प्लस, एन माइनस समथिंग एन माइनस समथिंग एन माइनस समथिंग एंड सो ऑन. सो ये जो पूरा सिग्नल बना हुआ है एक्स ऑफ एन, इट इज इन फैक्ट एन एडिशन ऑफ ऑल ऑफ देम, राइट. सो इसको अगर मैं प्लस कर देता हूं, प्लस प्लस प्लस, सबको अगर मैं प्लस कर देता हूं, तो इफ आई एड ऑल ऑफ देम आई एम गोइंग टू गेट एक्स ऑफ एन, द ओरिजिनल सिग्नल, राइट. सो एनी सिग्नल एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस स्केल्ड एंड शिफ्टेड वर्जन ऑफ द इंपल्स सिग्नल. ओके, दैट शुड बी वेरी क्लियर. सो दिस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्क्रीट टाइम इंपल्स. ओके, now where are we going to use this property and all that we are going to see in shortly coming. So let's look at the important part of this. Okay, so this is all about how we can, you know, reconstruct or in fact construct a discrete time signal using this discrete impulse. Fine, so ye to samajh mein aa gaya ki ye jo hai koi bhi signal jo hai discrete time signal ye hum construct kar sakte hain. Iske aage badhte hain, chalo aage badhte hain. ये मुझे बैकग्राउंड क्रिएट करना था, और मैं बता रहा हूं एक और बैकग्राउंड क्रिएट करना है, दैट इज कॉल्ड एज एन इंपल्स रिस्पांस. अगर मान लो कि मेरे पास कोई सिस्टम है, मैंने एक सिस्टम ले ली. सिस्टम आपको पता है, सिस्टम इज नथिंग बट देयर इज सम इनपुट, देयर इज सम आउटपुट. सो लेट दिस बी एक्स ऑफ एन एंड लेट द आउटपुट बी वाई ऑफ एन. ओके, मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ले रहा हूँ, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम ले रहा हूँ. तो इस वजह से क्या होता है कि दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय एन इंस्टेड ऑफ टी. अगर कंटिन्यूस होता तो ये टी से रिप्रेजेंट होता, दैट्स इट. कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही है, सिमिलर है. तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मान लो कि इनपुट, इफ आई गिव अ डिस्क्रीट इंपल्स एज एन इनपुट, अगर मैं एक्स ऑफ एन डेल ऑफ एन देता हूं, व्हाट इज ऑफ एन डेल ऑफ, हमने देखा डेल ऑफ एन इज द सिग्नल, इट्स अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इट्स अ डिस्क्रीट टाइम यूनिट इंपल्स. ये अगर मैं इनपुट देता हूं तो कुछ तो आउटपुट आएगा. ओके, कोई भी सिस्टम को अगर मैं डिस्क्रीट इंपल्स इनपुट देता हूं तो कुछ तो आउटपुट आएगा ना. Let that be h of n. What is h of n? H of n is nothing but a response to the impulse that has been given to the system. Okay, it is a response for this system. It is a response to the impulse that has been given to the system. Okay, and the system is mostly, as I said, we are going to consider that as an LTI system. Okay, which is linear as well as time invariant system. So that's what the system that we have considered. It is satisfying additivity, it is satisfying homogeneity, it is satisfying time invariance. So we have considered what is called as an impulse response of a system. So ye h of n ko isko hum impulse response bhi kahenge. Okay, also plus impulse response kyun kahenge, kyunki ye impulse ka response hai. This is a response which has been obtained when an impulse signal has been given as input. As simple as that.
तो इसी को हम कहेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स. इम्पल्स रिस्पॉन्स वो आउटपुट है जब हमें मिलता है, जब हम इम्पल्स एज एन इनपुट देते हैं कोई भी सिस्टम को, इनफैक्ट एन एलडीआर सिस्टम को. तो ठीक है, अगर इम्पल्स देता हूं, अगर मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलता है और ये तो है एलडीआर सिस्टम, अगर ये एलडीआर सिस्टम है तो वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, एडिटिविटी, होमोजेनिटी एज वेल एज टाइम इनवेरियंस, राइट. सो हम एक के बाद एक ये प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके ऊपर. सो ये पहली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे इसके ऊपर. सो इम्पोजिंग इम्पोजिंग द प्रॉपर्टी व्हाट इज कॉल्ड एज अ टाइम इनवेरियंस. टाइम इनवेरियंस प्रॉपर्टी इसके ऊपर इम्पोज करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है. टाइम इनवेरियंस क्या बोलता है? टाइम इनवेरियंस ये बोलता है अगर शिफ्ट इन द इनपुट, इफ यू आर गेटिंग शिफ्ट इन द आउटपुट, देन वी से दैट द सिस्टम इज टाइम इनवेरियंट. तो देखते हैं इनपुट को शिफ्ट करना है, मतलब डेल ऑफ एन को शिफ्ट करना है, डेल ऑफ एन माइनस लेट्स से फॉर एग्जांपल के. ओके, के से हमने इनपुट को शिफ्ट किया तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट भी उतने ही अमाउंट से शिफ्ट होगा ना, मतलब एच ऑफ एन माइनस के. व्हाई? बिकॉज द सिस्टम इज टाइम इनवेरियंट. अगर इनपुट को शिफ्ट किया तो आउटपुट भी उसी अमाउंट से शिफ्ट होना चाहिए. दूसरी प्रॉपर्टी को हम इम्पोज कर रहे हैं, इम्पोजिंग होमोजेनिटी. तीन तीन प्रॉपर्टी हमको इम्पोज करना है क्योंकि ये एलटीए सिस्टम है. तो टाइम इनवेरियंस हमको इम्पोज करना है, होमोजेनिटी इम्पोज करना है और एडिटिविटी इम्पोज करना है. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरी प्रॉपर्टी हम इम्पोज कर रहे हैं. मतलब ये जो हमको आउटपुट मिला कि इम्पल्स शिफ्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट को हमको शिफ्टेड वर्जन ऑफ आउटपुट मिला ना, शिफ्टेड वर्जन ऑफ आउटपुट. हम क्या करेंगे इसको, ये होमोजेनिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे. होमोजेनिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या, अगर मैं इनपुट को किसी से स्केल करता हूं तो आउटपुट भी उसी से स्केल होना चाहिए. मतलब ले लो कोई भी फैक्टर ले लो, अगर मान लो कि मैं इनपुट को ए के से या फिर जो भी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आउटपुट भी एक्स ऑफ के से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए. आउटपुट भी एक्स ऑफ के से मल्टीप्लाई होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम है. दिस कॉल्ड एज होमोजीनियस प्रॉपर्टी. अब तीसरी प्रॉपर्टी हम इम्पोज कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज कॉल्ड एज लीनियरिटी, विच इज कॉल्ड एज एडिटिविटी. सो इम्पोजिंग एडिटिविटी. अगर हम एडिटिविटी इम्पोज करते हैं, अगर हम एडिटिविटी इम्पोज करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? ये मान लो कि हम एडिटिविटी ऐसे करें, एडिटिविटी का मतलब क्या, अगर इनपुट में अगर सिग्नल्स ऐड करते हैं तो आउट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स भी ऐड होने चाहिए. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं कि इसको लेट से x of लेट से मैंने k लिया ना यहाँ पे, तो लेट से k equals to 1, k equals to 2, k equals to 3 and so on. सो मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन k ranging from माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, बहुत सारे इनपुट्स ले रहा हूँ. इससे क्या होगा कि मुझे आउटपुट भी क्या होगा, आउटपुट भी जो है वो सम होगा, इंडिविजुअल आउटपुट्स का सम होगा. सो k रेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ k h ऑफ n माइनस k, ये अपने को इक्वेशन मिला. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ओके इन द सिग्नल क्रॉसिंग. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज कॉल्ड एज अ कन्वोल्यूशन. ओके, तो हम यहाँ पे एक कन्वोल्यूशन का इक्वेशन हमने डिराइव किया. सो व्हाट इज दिस, और ये इनपुट क्या है, देखो यहाँ पे ये मिला क्या है. व्हाट इज दिस ऑन द लेफ्ट, दिस इज नथिंग बट एक्स ऑफ एन. क्यों ये एक्स ऑफ एन है, क्योंकि इनपुट जो है, कोई भी इनपुट जो है वो इंपल्सेस से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इंपल्सेस से हमने रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये हमने देखा हुआ है, राइट. अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि एनी सिग्नल, एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग, ओके सो जस्ट अ मिनट. तो हमने वही यहाँ पे अप्लाई किया, शिफ्टेड एंड स्केल वर्जन ऑफ इंपल्सेस से हमने कोई भी सिग्नल, लेट इट बी एक्स ऑफ एन. इसका मतलब क्या, अगर मैं एक्स ऑफ एन इनपुट डू और इसका आउटपुट क्या आएगा, ये वाई ऑफ एन होगा, राइट. ये आउटपुट है ना इसका, ये एक्स ऑफ एन है तो ये इसका वाई ऑफ एन होगा.
इसका बहुत गहरा मतलब है। देखो यहाँ पे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका सारांश या फिर समरी जो है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, मुझे इक्वेशन पहले लिखने दो। दिस इक्वेशन व्हाट आई सेड इज कॉल्ड एज अ कन्वोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज वाई ऑफ एन इक्वल्स टू समेशन के रेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन। नाउ दिस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये इक्वेशन जो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर मुझे मेरे पास अगर देखो यहाँ पे हमें क्या बताया, हमें इनपुट जो है ना, देखो यहाँ पे टेक दिस सिस्टम, टेक दिस सिस्टम, दिस इज द सिस्टम। ओके, दिस इज द सिस्टम। नाउ अगर मैंने इनपुट अगर इंपल्स दिया, उसका इंपल्स रिस्पॉन्स हमको एच ऑफ एन मिला। अगर हमें एच ऑफ एन पता है तो मेरा कोई भी इनपुट के साथ मैं आउटपुट निकाल सकता हूं। मतलब क्या, अगर मान लो कि मेरे पास कोई सिस्टम है, लेट्स से ये माइक्रोफोन है, अगर मेरे पास इसका इंपल्स रिस्पॉन्स मुझे पता है तो कोई भी इनपुट दे दो मुझे, उसका आउटपुट क्या होगा ये मैं बता सकता हूँ। मतलब अगर ये माइक्रोफोन का मेरे पास इंपल्स रिस्पॉन्स पता है तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि आपकी आवाज इस माइक्रोफोन से कैसे सुनाई आएगी। इनफैक्ट कोई भी सिग्नल दे दो। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग। इफ आई नो द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम आई कैन कैलकुलेट द आउटपुट फॉर एनी इनपुट। सो लेट मी राइट दैट। इफ क्योंकि इस इक्वेशन में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये एच तो है, ये तो इनपुट है ना, कोई भी इनपुट है। अगर मेरे मुझे कोई भी सिस्टम का एच पता है देन वी कैन कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ एनी इनपुट। सो दैट इज द थिंग। अगेन आई एम सेइंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ आई नो द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम आई कैन गेट द आउटपुट ऑफ एनी इनपुट का आउटपुट। इफ आई नो द इम्पल्स रिस्पॉन्स आई कैन गेट द आउटपुट फॉर एनी इनपुट। ओके, दैट्स अ समरी ऑफ व्हाट आई सेड। सो इफ वी नो इम्पल्स रिस्पॉन्स, देखो थोड़ा हेवी होगा पर समझ में आएगा ना, ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। देखो किसी को डेरिवेशन नहीं समझा भूल जाओ, पर ये इक्वेशन ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलटीआई सिस्टम, इफ यू नो द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम देन वी कैन गेट द आउटपुट फॉर एनी इनपुट। दैट्स द मेन थिंग। एनी डिस्क्रीट टाइम इनपुट, इन दिस सेंस, इन दिस केस इट इज अ डिस्क्रीट टाइम आउटपुट, डिस्क्रीट टाइम इनपुट, डिस्क्रीट टाइम आउटपुट। ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, यू नो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ कन्वोल्यूशन। सो लेट मी फर्स्ट समराइज व्हाट आई सेड अगेन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस यू नो दिस So these things are very important as far as the signals and systems are concerned. So we must know this is, again I will repeat. So if we know the impulse response, okay, so yeah, response of any system, if I know the impulse response of an LTI system, we can get the output for any input. Okay, that's the summary. All right, so ठीक है, ये तब कर सकते हैं हम जब हमको इम्पल्स रिस्पॉन्स पता हो। ओके, सो इसके बारे में हम पहले इक्वेशन को समझ लेते हैं क्योंकि इसका मतलब क्या है। क्योंकि हमको अगर कैलकुलेट करना है कोई भी इनपुट के लिए आउटपुट अगर कैलकुलेट करना है तो हमें ये इक्वेशन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। व्हाट डज दिस इक्वेशन इम्प्लाई। इक्वेशन को पहले मैथ्स, देखो मैथ्स इसका समझते हैं। जब आपको मैथ्स समझ में आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से, तो उसका मैथ्स अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पे इसका मैथ्स क्या बोलता है, इसका मैथ्स ये बोलता है कि हमारे पास दो सिग्नल्स प्रेजेंट है, राइट, x एंड h, हमारे पास दो सिग्नल प्रेजेंट है। मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ इक्वेशन को, फिर से एक बार इक्वेशन को लिखता हूँ। देखो यहाँ पे y of n equals to summation x of k h of n minus k, k ranging from minus infinite to infinite. All right, so ये इक्वेशन है हमारे पास।
तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले ये देख रहे हैं कि अगर मुझे आउटपुट कैलकुलेट करना है तो मेरे पास दो सिग्नल्स होना जरूरी है, एक्स और एच। कोई भी दो सिग्नल का आउटपुट जो है कन्वोल्यूशन का, वो इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा। सो व्हाट इज दिस इक्वेशन मीन? पहला जो सिग्नल है, ये पहला जो सिग्नल है एक्स ऑफ के, ये इसका मतलब क्या, एक सिग्नल है एक्स, दूसरा है एच। पहले सिग्नल को वैसा का वैसा रखेंगे, है ना, क्योंकि इसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हो रहा है। कीप फर्स्ट सिग्नल एज इट इज, कीप फर्स्ट सिग्नल या फिर एनी सिग्नल, ओके, आइदर ऑफ टू सिग्नल्स एज इट इज। अब चेंज किसमें हो रहा है? दूसरे सिग्नल में हो रहा है ना, दूसरे सिग्नल में हो रहा है। मतलब वो चेंज क्या हो रहा है, देखो यहां पे चेंज क्या हो रहा है, इट इज एच ऑफ एन माइनस के। ये पहली बात तो हमको यहां पे थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है कि ये व्हाट इज इट फंक्शन ऑफ, इट इज अ फंक्शन ऑफ के। यहां पे एच इज अ फंक्शन ऑफ के। अब के को क्या हो रहा है, ये फ्लिपिंग हो रहा है ना, ये फ्लिपिंग हो रहा है क्योंकि यहां पे निगेटिव के है, माइनस के, और यहां पे शिफ्टिंग भी हो रहा है, के को शिफ्ट भी किया जा रहा है। सो इट इज माइनस के प्लस एन, सो इट इज फ्लिपिंग एंड शिफ्टिंग दैट इज हैपनिंग टू दिस। ओके, सो मैं इसको वर्ड्स में कैसे लिखूंगा, देखो यहां पे आई कैन राइट दीज थिंग्स इन वर्ड्स। मतलब दिस इज टेक अनदर सिग्नल एंड फ्लिप इट। फ्लिप, फ्लिप मतलब आईने के जैसे, वो राइट में है तो उसको लेफ्ट में कर दो, एंड सो ऑन। फ्लिप इट अलॉन्ग टाइम, उसको फ्लिप किया। उसके बाद क्या किया, फ्लिप करने का, सिर्फ सिर्फ फ्लिप नहीं किया, उसको शिफ्ट भी किया एन से, शिफ्ट बाय एन, देन शिफ्ट बाय एन, एन अमाउंट से उसको शिफ्ट किया, राइट। और क्या क्या किया, देखो ये तो क्लियर हो गया, और क्या क्या किया देखो, ध्यान ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि बाद में नहीं समझने वाला। देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या किया, देखो यहाँ पे फोर्थ स्टेप में दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लाई एक्स ऑफ एक्स एंड एच। उसके बाद क्या किया, उसके बाद एड किया, एड ऑल देम टूगेदर, ओके, एड ऑल ऑफ देम ऑल टूगेदर, एड ऑल टूगेदर। What do you mean by that? यहाँ पे steps देखो कितने हैं। दो मेरे पास सिग्नल, देखो यहाँ पे ध्यान में नहीं आया तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो हमारे पास दो सिग्नल है, हमको कन्वोल्यूशन निकालना, राइट, हमको कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन क्या है, कन्वोल्यूशन हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया, कन्वोल्यूशन इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन LTI सिस्टम। LTI सिस्टम क्या है, LTI सिस्टम बोलते वो सिस्टम जो लीनियर है एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट है। ये इस टाइप के सिस्टम्स हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के वर्ल्ड में। तो LTI सिस्टम्स को हम कन्वोल्यूशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी LTI सिस्टम कैन बी कैरेक्टराइज यूजिंग कन्वोल्यूशन इक्वेशन। कन्वोल्यूशन इक्वेशन क्या बोलता है कि अगर अगर मेरे पास इंपल्स रिस्पांस दिया है, तो मैं एक सिस्टम दी है मेरे पास, लेट्स से माइक्रोफोन, इसका मुझे अगर इंपल्स रिस्पॉन्स पता है, इंपल्स मतलब क्या, अब मुझे पता होना चाहिए कि इंपल्स क्या है। इंपल्स मतलब क्या, इंपल्स बोले तो वो छोटा सा सिग्नल है जो सिर्फ और सिर्फ जीरो पे प्रेजेंट है। मतलब क्या, व्हाट इज इंपल्स, इंपल्स बोलते ये ऐसे, देखो यहाँ पे ताली बजाई ना, इसे एकदम से ताली आई और गई, ओके, ऐसे एकदम एकदम इंस्टेंस। सो दैट इज प्रेजेंट एट ओनली द जीरोथ इंस्टेंस एंड इट इज वैनिश्ड अदरवाइज, इट इज नॉट प्रेजेंट अदरवाइज, सो दिस कॉल्ड एज एन इंपल्स। अगर मुझे ये माइक्रोफोन का एक ताली के लिए अगर मुझे आउटपुट पता है, तो मुझे इसका आउटपुट मेरे वॉइस के लिए क्या आएगा, ये मैं पता कर सकता हूं। इसका मतलब क्या, इफ आई नो द इंपल्स रिस्पॉन्स, जस्ट एक पॉइंट का अगर मुझे इंपल्स का रिस्पॉन्स अगर मुझे पता है, तो कोई भी इनपुट के लिए मैं आउटपुट बता सकता हूँ। वो हमने डिराइव किया क्यों, क्योंकि कोई भी इनपुट जो है वो इंपल्स से बना हुआ है, और अगर मुझे इंपल्स का अगर आउटपुट पता है, तो कोई भी इनपुट का आउटपुट मुझे मिल सकता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ कन्वोल्यूशन। कैसे मिलेगा, तो कन्वोल्यूशन इक्वेशन से मिलेगा, वो इक्वेशन हमने अभी डिराइव किया। तो वो कन्वोल्यूशन इक्वेशन क्या बोलता है, देखो मेरे पास ये इंपल्स का रिस्पॉन्स, मतलब इस ताली का आउटपुट मुझे मेरे पास होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट एच, स्टैंडर्ड नोटेशन है एच। सो इंपल्स रिस्पॉन्स अगर मुझे पता है, दैट इज एच,
और मुझे इनपुट मतलब मेरी वॉइस, मैं जो बात कर रहा हूँ, ये दोनों अगर पता है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का कन्वोल्यूशन करूंगा, इन दोनों का कन्वोल्यूशन करूंगा। कन्वोल्यूशन मतलब क्या, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दो सिग्नल है, एक एक्स एच, एक्स एच, तो हमने क्या किया, इसको एक्स और एच ले लिए, दोनों में से कोई भी एक सिग्नल। अब यहां पे क्या है, एक्स एक्स ले लिया, एक्स को ऐसा का ऐसा रखोगे, एक्स को ऐसा का ऐसा रखोगे, एच को क्या करोगे, एच को फ्लिप करोगे, है ना। दो सिग्नल है मेरे पास, एच को एक सिग्नल को ऐसा का ऐसा रखा, दूसरे सिग्नल को फ्लिप किया, फ्लिप 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 करने के बाद शिफ्ट किया, शिफ्ट किया, शिफ्ट, फिर हमने दोनों को ओवरलैप देखा, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, फ्लिप शिफ्ट मल्टीप्लाई एंड एड देम टुगेदर। ओके, दो सिग्नल है मेरे पास, दोनों में से एक को ऐसे रखा, दूसरे सिग्नल को फ्लिप किया, शिफ्ट किया फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, मल्टीप्लाई एंड एड देम टुगेदर टू गेट द फाइनल आउटपुट। अब ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं तुमको एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको शायद समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे Yeah, are you able to see? No, I think you are not able to see my screen. I'll just share my entire screen now. Yeah, meri screen dikh rahi hai abhi, hai na? Are you able to see my screen? So this is the. So यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे हमने क्या किया है? मेरे पास ये दो सिग्नल्स हैं. Is this screen visible? Anyone, if you can ping me? Yes. Alright. So this we have two signals, okay? दो सिग्नल है, ये डेमो की लिंक में भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ये लिंक है इसकी, आप कभी भी देख सकते हो उसको। तो दो सिग्नल है मेरे पास, मान लो कि एक सिग्नल जो है मैंने एक ट्रायंगुलर सिग्नल ले लिया और एक ये रेक्टेंगुलर सिग्नल ले लिया, ठीक है। तो इसका मैं कन्वोल्यूशन निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिग्नल को ऐसा का ऐसा रखा, मान लो कि ये एक्स है, तो ये ट्रायंगल जो है रेड वाला, उसको मैंने ऐसा का ऐसा रखा, है ना, उसी जगह पे एज इट इज रखा। ओके, पहला सिग्नल क्या है, माइनस वन टू वन है, और दूसरा सिग्नल जो है ये जो भी रेंज होगी, हम ये रेंज बढ़ा भी सकते हैं, इट्स अप टू अस। ओके, दूसरा भी माइनस वन टू वन हमने ले रखा है, बट उसका जो ये है मतलब वो शेप जो है वो रेक्टेंगल शेप। तो हमने क्या किया, पहले सिग्नल को एज इट इज रखा, पहले सिग्नल को एज इट इज मतलब रेड वाले सिग्नल को ऐसा का ऐसा रखा, दूसरे सिग्नल को क्या करूंगा, मैं फ्लिप करूंगा। अभी इस सिग्नल को फ्लिप करूंगा मतलब क्या, ये वर्टिकल एक्सिस जो है ना, ये वर्टिकल एक्सिस पे आईना रखो, ओके, जस्ट कीप अ मिरर ऑन दिस वर्टिकल एक्सिस, तो जो राइट में होगा वो लेफ्ट में दिखेगा और जो लेफ्ट में वो राइट में दिखेगा, दैट इज नथिंग कॉल्ड एज फ्लिपिंग, फ्लिपिंग अलोंग द टाइम एक्सिस। मतलब इस सिग्नल जो भी राइट में उसको लेफ्ट में ले लो, जो भी लेफ्ट में उसको राइट में ले लो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लिपिंग, फ्लिपिंग ऑपरेशन। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर सिग्नल को अगर फ्लिप करता हूं तो वो वैसे का वैसा ही दिखेगा ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक सिग्नल है, जो राइट में उतना ही तो लेफ्ट में है, so that's why it is called as a you know symmetric signal, और इसको flip करने के बाद वो वैसे का वैसे दिखेगा, तो हमने वही signal हमने ले लिया यहाँ पे, है ना, rectangle signal। फिर क्या किया, flipped हो गया, फिर shift करना है हमको, shift कहाँ से कहाँ तक करना है, minus infinite to infinite, minus infinite to infinite shift किया, देखो यहाँ पे minus infinite to infinite shift कर रहे हैं, shift करते के बाद क्या करना है, flip shift multiply, ना मतलब ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है, multiply दोनों signal को multiply हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक तो ये signal, दूसरा signal जो है triangular signal, वो तो zero ही है ना, तो मतलब आउटपुट जीरो ही आएगा आपको, मल्टीप्लाई आपको आउटपुट अच्छे से कब आएगा, जब यहाँ पे मीनिंगफुल आउटपुट कब आएगा, जब इन दोनों का ओवरलैप होगा, देखो यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ये अभी स्टार्ट होगा ओवरलैप, ये स्टार्ट हो गया, अब जैसे ये ओवरलैप स्टार्ट हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, ये दिस इन 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 पर्पल यू हैव दैट ओवरलैप, ओके, ये ओवरलैप आपको मिल रहा है, और जो ये ब्लैक में आ रहा है ना, ये स्टार्टिंग में, दिस इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ द कन्वोल्यूशन। मल्टीप्लाई करके अगर मैं ऐड करूंगा, देखो ना यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, मतलब ये देखो स्टार्टिंग में जीरो है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ तो मल्टीप्लीकेशन आएगा इसका और इसका, मुझे पता है कि ये फर्स्ट सिग्नल सेकंड सिग्नल जो है ये वन है, तो दूसरा सिग्नल क्या होगा, ये ट्रायंगुलर ही होगा, इन सबका ये जो एरिया अंडर द कर्व है, मतलब जो
जो ये पर्पल रीजन जो ये फॉर्म हो रहा है उसको मैं अगर देखूंगा, उन सब इस सबको एरिया को अगर मैं ऐड करूंगा, इट विल बी अ काइंड ऑफ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इन एरिया देखो, ये ओवरलैपिंग बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, देखो ये ओवरलैपिंग बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये देखो ब्लैक लाइन देखना फिर से देखो यहाँ पे, ये जो है ना ये ओवरलैपिंग है, दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन, ये जो मैं बता रहा हूँ इससे, ओके दिस इज कॉल्ड एज एन ओवरलैपिंग रीजन। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो ये सरक गया, ये एक मिनट, दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन। हाँ ये ओवरलैपिंग बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और कब तक बढ़ेगा ये, जब तक के मैक्सिमम ओवरलैप कवर नहीं हो जाता। देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग बढ़ रहा है और फिर कम भी तो हो रहा है ना, आगे जाके कम हो रहा है, देखो ये यहाँ पे ओवरलैपिंग बढ़ रहा है और उसके बाद एक समय के बाद वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा और उसके बाद ओवरलैपिंग कम हो रहा है। देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग कम हो रहा है तो ये रिजल्टेंट आउटपुट भी कम होगा कम होगा, और एक समय के बाद वो जीरो हो जाएगा। फिर से देखो ओवरलैपिंग बढ़ रहा है, नहीं है जीरो है यहाँ पे ओवरलैपिंग, सो आउटपुट इज जीरो। यहाँ पे ओवरलैपिंग स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते ही बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, इट इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू डिक्रीज। दिस इज कॉल्ड एज कन्वोल्यूशन, इट्स दैट सिंपल। कन्वोल्यूशन में चार स्टेप्स है, दो सिग्नल ले लो, फ्लिप शिफ्ट मल्टीप्लाई एड, फ्लिप शिफ्ट मल्टीप्लाई एड। तो ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, देखो यहाँ पे पहले सिग्नल को आइदर ऑफ दिस टू सिग्नल्स कीप देम एज इट इज, ओके कीप आइदर ऑफ दिस सिग्नल, दोनों में से कोई भी सिग्नल चलेगा, ओके दोनों में से कोई भी सिग्नल, कीप आइदर सिग्नल एज इट इज, ओके कीप आइदर सिग्नल एज इट इज। फिर क्या करना है आपको, टेक अनदर सिग्नल एंड फ्लिप इट, फ्लिप इज द फर्स्ट स्टेप, फ्लिप देन शिफ्ट देन मल्टीप्लाई एंड देन एड देम ऑल टुगेदर, ओके दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ कन्वोल्यूशन। इतना सिंपल ऑपरेशन है ये, ओके okay? अब मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया ये कंटिन्यूअस टाइम का दिया, ये मैंने जो इक्वेशन लिखा है वो डिस्क्रीट टाइम का दे रखा है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस टाइम के लिए इक्वेशन क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। फॉर इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस टाइम एन के जगह पे टी आ जाएगा, वाई ऑफ टी, समेशन के जगह पे इंटीग्रेशन आ जाएगा फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, एक्स ऑफ यहाँ पे के इज एन टेम्पररी वेरिएबल सो लेट इट बी टाउ हियर, और यहाँ पे h of t minus tau d tau. What is this? What I have written here is nothing but equivalent expression of convolution in time domain. So ये जो दो equation बन रहे हैं ये बहुत important है, convolution जो equation ये यहाँ पे बन रहे हैं, these are the equation for the continuous case and this is for the discrete case. On the left it is for the discrete case, on the right I have for the continuous case. Okay, so this is for discrete, this is for continuous time, and on the right, on the left, we have for discrete time. So this is the concept of convolution. और इसको हम solve करेंगे, convolution जो है equation जो है simple example के जरिए हम समझते हैं इसको, simple example के जरिए यहाँ पे समझते हैं example कि बहुत ही simple है, बहुत simple है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास दो सिग्नल दिए रहने चाहिए, लेट इट बी 1 2 3, दिस इज माय फेवरेट एग्जांपल 1 2 3, ये मेरा जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, और मैं एक एरो दे देता हूं, एरो इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सिग्नल, दिस इंडिकेट्स द जीरोथ पॉइंट, ओके एन इक्वल्स टू जीरोथ पॉइंट, और लेट एच बी 4 5 6, सिंपल सिग्नल ले लेते हैं, ओके इन दोनों का अगर मुझे कन्वोल्यूशन फॉर्म करना है तो इसका नोटेशन है, कन्वोल्यूशन का एक नोटेशन है, सो कन्वोल्यूशन का नोटेशन स्टार से इंडिकेट करते हैं इसको, स्टार, ये स्टार मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दिस इज कन्वोल्यूशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन क्रॉस या फिर कुछ भी यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक्स ऑफ एन इंटू एच ऑफ एन डिनोट करते हैं, सो इफ वी नीड टू कैलकुलेट एक्स ऑफ एन कन्वॉल्व विद एच ऑफ एन, लेट्स सी व्हाट वी नीड टू डू। हमको क्या करना है, हमको स्टेप्स तो पता है, व्हाट इज द स्टेप, पहला सिग्नल एज इट इज रखना है, कौन सा, दोनों में से कोई भी एक पकड़ लो, ओके आइदर ऑफ दिस सिग्नल, लेट्स से हमने x of n को हमने ऐसा का ऐसा रखा, मतलब क्या ऐसे का ऐसा ना, देखो 1 2 और 3, दूसरा सिग्नल ले लिया मैंने h of n, इसको क्या करना है, फ्लिप शिफ्ट मल्टीप्लाई एड, फ्लिप शिफ्ट मल्टीप्लाई एड, इसको अगर मैंने अगर इसका भी एक्सिस अगर मैं अज्यूम करूं कि ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको मैं करूंगा फ्लिप करूंगा, मतलब जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएंगे ना, फ्लिप करूंगा, मतलब क्या, देखो यहाँ पे 4 और 5 यहां पे ना होते हुए इधर आएगा ना, 4 5 6
इट इज फ्लिप्ड, ओके इट इज फ्लिप्ड. सो ये पहला इक्वेशन क्या हुआ, दिस पहला इक्वेशन इज नथिंग बट एक्स ऑफ के, और ये दूसरा इक्वेशन क्या हुआ, ये दूसरा इक्वेशन क्या हुआ, एच ऑफ माइनस के. अब हमने अब तक के एन इंट्रोड्यूस नहीं किया है उसमें, एन माइनस के ने इक्वेशन में वो इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो हमको क्या करना है, फ्लिप शिफ्ट मल्टीप्लाई एड. फ्लिप तो कर दिया हमने, और यहाँ पे एन जो है यहाँ पे मैंने जीरो कंसिडर किया इनिशियली, लेट इट बी जीरो इनिशियली. अभी क्या हो रहा है, फ्लिप शिफ्ट मल्टीप्लाई एड मतलब अभी फ्लिप हो गया, फिर शिफ्ट करना है, अभी शिफ्ट लेट इट बी जीरो, इनिशियली द शिफ्ट इज जीरो. मल्टीप्लाई करना है मतलब क्या, ये पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करो, ये देखो पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, फोर आएगा, और जितने भी सैंपल्स ओवरलैप हो रहे हैं उन सबके मल्टीप्लीकेशन का एड करो, उन सबका एड करो. यहाँ पे कौन कौन से सैंपल्स ओवरलैप हो रहे हैं, अभी बाकी सैंपल्स जो बचे हुए हैं दीज आर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो, राइट. अदर सैंपल्स द रिमेनिंग सैंपल्स दीज सैंपल्स लेट से दीज आर मल्टीप्लाइड बाय जीरो, बिकॉज यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो ओवरलैप हो रहा है उसी को कंसिडर करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट्स द आंसर. सो आंसर टू दिस इज वाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू द फर्स्ट पॉइंट वी गॉट इट एज फोर. उसके बाद हमको क्या करना है, ये तो सिर्फ जीरो शिफ्ट के लिए हो गया ना, और आराम आराम से हमको शिफ्ट भी बढ़ानी है. देखो यहाँ पे फ्लिप शिफ्ट, ये आप ट्रेन ट्रेन का इस्तेमाल, ट्रेन का एग्जाम्पल आप कंसिडर करो, हाउ इज अ ट्रेन ट्रेन बुगी, जो दो ट्रेन जब आती है वो क्रॉस करती है तो कैसे दिखता है ना, वो उसको आप इमेजिन करो, दो ट्रेन जब क्रॉस होती है, देखो यहाँ पे दो ट्रेन है, दो ट्रेन है हमारे पास, एक तो ये ट्रायंगुलर ट्रेन है और एक जो है ये डिब्बा है, ये दो ट्रेन क्रॉस हो रही है, क्रॉस हो रही है, क्रॉस हो रही है, तो इसको पहले को पहले डिब्बे को ये दोनों ऐसे क्रॉस हो रहे हैं ना, ऐसे अपोजिट डिरेक्शन क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ओवरलैपिंग मल्टीप्लीकेशन एड, ओके सो दिस इज वॉट वी नीड टू डू इट. ओके Now, this what is called as convolution, और इसको हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान में, देखो यहाँ पे ये हो गया पहला आउटपुट, दूसरा आउटपुट क्या आएगा, इसको फिर से हम शिफ्ट करेंगे, राइट फिर से शिफ्ट करेंगे, वन टू थ्री और फिर से दूसरा फोर, दूसरा दूसरा आउटपुट क्या आएगा, फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स. अभी इस केस में क्या किया हमने, एक और पॉइंट से शिफ्ट किया, एक और पॉइंट से शिफ्ट किया, तो ये पहला क्या आया, पहला और ये दूसरा, दो पॉइंट्स ओवरलैप हो रहा है, तो पहला क्या आया फाइव और इसका आया एट, राइट सो फोर टू द एट एंड फाइव वन द फाइव हियर, सो ये आठ और पांच ये हो गया तेरह, सो दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास आ गया थर्टीन. ओके ये हो गया थर्टीन, देन विल कम टू द नेक्स्ट ओवरलैप. नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, फिर से हम कैलकुलेट करते हैं वन टू थ्री, दूसरे वक्त अभी और शिफ्ट कर रहे हैं फोर फाइव सिक्स. अब इस वक्त देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सिग्नल को मैं आराम आराम से राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ और ओवरलैप कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितना है सिक्स टेन और ये ट्वेल्व. ओके सो व्हाटएवर इट मे बी, इट यू कैन जस्ट एड इट, सो इट इज गोइंग टू बी सिक्स टेन एंड ट्वेल्व, so it is 22 and 28, right? So it is going to be 28. Now after this, what we are going to do is we need to continue this process. ये continue करो. 1, 2, 3, then 4 will be here, 5 will be here, and 6 will be here. So we need to multiply. So it is going to be 12. And 13 here, 15 here. So it is going to be 27. So what I'm going to get the next point as 27. Then the last point that we are going to get is something like this. This is the last point. Last point kya rahega? It's 1, 2, 3. And then, of course, the 6 will be here, and 5 will be here, and 4 will be there. So the last point is going to be 18. So ye hua iska answer. This is the answer for this system. Okay, 18. So this is what is called as a convolution. So convolution mein hamesha yaad rakhna hai, flip, shift, multiply and add. Okay, so iske upar main sirf abhi ek sawal leta hu, maybe we may take a few more questions later on, but right now I'm going to take only one question right now, so that you know you get an idea of what is the convolution. Okay,
मान लो कि हम ये कन्वोल्यूशन ले रहे हैं, देखो यहाँ पे एक सवाल ले ले और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप कैलकुलेट करो एग्जांपल एग्जांपल लेट से एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू लेट से माइनस वन थ्री माइनस टू एंड लेट से एच ऑफ एन लेट इट बी टू फाइव नाइन, ओके 2 5 माइनस नाइन, हु विल टेल द आंसर, क्विक टेल मी द आंसर वाई ऑफ एन क्विक। Yeah, is there anyone who can answer that question? Yes, sir. Yeah, please tell me. So minus two, Okay. one, Minus two and yes, one. Okay. two, It's two. So I'm not going to verify. You guys, please verify. Two. -37 and 18. 18. Okay, fine. Thank you so So much. see, the best way to verify this is, yeah, so you can just make this what is called as a table here, let's say minus 1 3 and minus 2, and let's have the other thing here. So for example, the other thing on the column side 2 5 and minus 9, and we can just cross multiply. Okay, we can just multiply. So for example, 2 into minus 1 it is minus 2, then it is going to be 6, it is going to be minus 4, it is going to be minus 5, 15, minus 10, it is going to be 9, 27, minus 27, and it is going to be 18 here. So just take it in a diagonal way. Okay, it is going to be minus 2, then minus 5 and 6. It is going to be a 1, and it is going to be this. This also you can do here and add it, and I think this point is somewhat missing here, so don't know whether it is correct or not. So please check it whether these things are correct. The 18 is fine. Minus, I think there's some point that is missing here. So it is minus 37 is fine. There's one point that was missing here. Is that two? So it is 4. It is 5, 20. It is 20. It's not two. Okay. I'm sorry, sir. Sorry. All right. Yeah. So this is how you can just verify the answer. Okay, you can just verify the answer something like this. All right, so let's go ahead with this convolution. Now this was all about the discrete case. Let me tell you about the continuous case. Okay, so continuous case ka bhi jo formula rahega wo same hai, similarly ye to formula hai uska. Okay, so let's look at the another example of continuous case. Okay, so continuous case ka equation jo hai wo hai y of t equals to integration minus infinite to infinite x of tau h of t minus tau d tau. Okay, so this is the this is a continuous time pair equation. So what is this? Let x of t be, now iska main answer main aapko completely nahi bataunga, I want you guys to solve it. I'll just give you the hint. Okay, so x of t, maan lo, let it be u of t.
and let's say h of t, we again v u of t. What is this u of t? Again, this is one of the standard form of one of the standard signals. U of t बोले तो जब भी आप देखोगे u of t, तो u of t is nothing but a right hand sided signal. It is simply defined as something like this. Okay, this is very standard signal. Okay, it is one on the right, it is zero on the left. Okay, so it is like this. That means what? U of t is defined as one for t greater than zero, and it is zero for t less than zero. And in fact, it is undefined at t equals to zero. So this is what you can remember, that this is the equation for u of t. Okay, agar maan lo ki maine ye equation de rakha hai, okay, these signals I have given to you. So how can you calculate the convolution of these two signals? Maine u of t ke sath hi convolution agar maine calculate karne ko lagaya to aap kaise karoge? Okay, so this is what I am going to just demonstrate, and you have to solve it with me. So for example, see here. So pehla signal u of t hai, matlab ye aisa hai, aur dusra signal bhi u of t hi hai. तो मान लो ये पहला सिग्नल है और ये दूसरा सिग्नल भी u of t है ना, दूसरा सिग्नल भी जो है that is u of t. So that is u of t. But हम क्या कर रहे हैं, पहले सिग्नल को एज इट इज रख रहे हैं, दूसरे सिग्नल को फ्लिप कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा होगा ना, फ्लिप 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 शिफ्ट मल्टीप्लाई एड. देन व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टेक दिस सिग्नल एंड ड्रैग इट, राइट. सो ये सिग्नल ऐसे ऐसे होगा ना, देखो पहला सिग्नल एज इट इज, दैट मीन्स x of t एज इट इज, h of माइनस टी, या फिर एक्स में टाउ में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्योंकि ये टेम्पररी वेरिएबल जरूरी है, एक्स ऑफ टाउ, एच ऑफ माइनस टाउ, और अदरवाइज. सो दिस इज एक्स ऑफ टाउ, दिस एच ऑफ माइनस टाउ. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज टू सिंपली शिफ्ट द सिग्नल. वी नीड टू सिंपली शिफ्ट द सिग्नल फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. सो देखो यहाँ पे, अगर मान लो कि ये सिग्नल ऐसा है, यहाँ पे ये आराम आराम से शिफ्ट होगा ना, ये पहले सिग्नल ऐसा है, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, एंड सो ऑन. सो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो केस बाय केस बेसिस पे. यू हैव टू कंसिडर मल्टीपल केसेस इन दिस. ओके, यू हैव टू कंसिडर मल्टीपल केसेस इन दिस. सो हाउ टू कंसिडर दोज केसेस, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो हियर. देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे सिर्फ दो ही केस है, एक तो ओवरलैप टी यहाँ पे होगा, मतलब टी से पहले होगा, टी इक्वल टू जीरो से पहले, या फिर टी इक्वल टू जीरो के बाद होगा. ये दो ही तो केसेस हैं, और पहले केस में ओवरलैपिंग है ही नहीं, दूसरे केस में ही ओवरलैपिंग है. तो ये ओवरलैपिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड इट इज एंडिंग टिल पॉइंट टी, बिकॉज टी इज द अमाउंट ऑफ ओवरलैप. सो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के लिमिट्स हमेशा ध्यान में रखना है, द इंटीग्रेशन लिमिट्स आर द लिमिट्स ऑफ द ओवरलैप. सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू टी. What is the first signal? U of tau. Other the signal is U of t minus tau. D tau. And what is this signal? U of t is kya hai? Right hand side signal pe. That is one. Other signal kya hai? Wo bhi one hai. To hum isko kaise likhenge? This is equals to this integration. You can just solve it. This is going to be 0 to t. And of course, this is going to be 1. D tau. This is going to be t. So this is going to be t into t on the right hand side. So for t greater than 0. So this is what is going to be the answer for this. Means what? If we have two u of t, इसको हम unit step signal भी बोलते हैं. If we have two u of t signals, मतलब ये इसका convolution कैसे आएगा? It's equivalent to t. मतलब ये signal ऐसे आएगा. देखो यहाँ पे, ये ऐसे आएगा. ये देखो ऐसे. आप देख सकते हैं ना, overlap बढ़ रहा है, and so on. So overlap is increasing, and so on. So this is nothing but t. This is the output, which is nothing but y of. So this is how you can calculate the convolution of continuous time signals. Okay, so इसके ऊपर practice करना जरूरी है. इसके ऊपर भी सवाल आ चुके हैं gate में. So maybe in the next session we may take some more examples out of it. Okay, so we'll stop here guys for today's session and we'll continue for the next class. Okay, yeah, that's all from my side, Rohini ma'am. Yes, sir. Thank you, sir. All right. Sir, tomorrow is the lecture at 11:30 p.m. Tomorrow. Hello. आवाज आ रही है सभी को? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay.
कल का सेशन 11:30 रहेगा। ओके मैम। ओके। और फीस पेड कर दो आप लोग, जिसका जिसका करंट वाला फीस बाकी है ना, वो सब लोग पेड कर दो। कपिल साहू फीस पेड कर दो।